नमस्कार माँ की पाकशाला में आप सभी को स्वागत है। मैं माया देवी आज नई रेसिपी लेकर आई हूँ, अमरेकर और मिर्ची का चटपटे सब्जी। चटपटे सब्जी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए मैं दिखाऊंगी भी बताऊंगी भी, और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, नई नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने मैं आती रहूं। तो चलिए तो मैं दिखाती हूं कि चटपटे सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए मुझे अमड़ा, तो अमड़ा हम ले लिए जो कि आधा केजी लिए हैं, 100 ग्राम हम हरी मिर्च लिए हैं, 25 ग्राम हम सरसों पाउडर लिए हैं, 2 चम्मच हम लिए हैं धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा काली मिर्च पाउडर लिए हैं, मेथी चुटकी भर लिए हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, 2 लहसुन लिए हैं और नमक स्वाद अनुसार, तो इतने से हम बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं चटपटे सब्जी बनाने के लिए हम अमड़े को कट कर लेते हैं। तो अमड़े को कट कर लेते हैं, इस तरह अमड़े को काटना है, इस तरह सारे अमड़े को हम काट लेंगे। ये सब्जी बनाने के लिए हमें एकदम कच्चा अमड़ा चाहिए, तो हम ले लिए हैं। तो इस तरह सारे अमड़े को कट कर लिए हैं, इसको हम साइड करते हैं। तो मिर्ची को भी कट कर लेते हैं, इस तरह मिर्ची को भी कट लगाना है। तो ये सब्जी बनाने बहुत आसान है, एकदम आसानी से सब्जी बना सकती है। कढ़ाई को बैठा दिए हैं, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालती हूँ तेल। ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, थोड़ी सा तेल डालूँगी, फिर थोड़ी तेल में बनाकर अच्छा दिखाऊँगी आपको। हमारा तेल गर्म हो गया, मेथी को डालती हूँ, मेथी को हम चटकने दे रही हूँ। मैं डालती हूँ अमड़ा, इसको डाल करके मैं सारे अमड़े को इसमें डाल देती हूँ, डाल करके भून लूँगी। इस सब्जी को बनाकर आप रख देंगे तो 15 से 20 दिन तक आप खा सकते हैं, अगर फ्रीज में आप रख देंगे तो मैं 2 दिन आप खा सकती हैं। तो इसी में भून लूँगी, मिर्ची को भी भून लेती हूँ। जब तक मेरा अमड़ा मिर्ची भून रहा है तब तक हम मसाले को पेस्ट बना रही हूँ। मसाला में पेस्ट बना लूँगी तो झाग नहीं लगेगा, नहीं तो मसाला सरकता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पेस्ट बना रही हूँ। जब भी मसाले डालें तभी झाग बना करके डालें, हम सारे मसाले को झाग बना ले रहे हैं। एक में पेस्ट बना लेंगे, सारे मसाले को डाल देते हैं। मिर्ची पाउडर को भी डाल देते हैं, ये लहसुन को हम पेस्ट बना कर रखी थी तो इसको भी मैं इसी में मिला दे रही हूँ, सारे मसाले में मिला रही हूँ, क्योंकि सारे मसाले को हम एक में मिलाकर पेस्ट बना रही हूँ। देखिए इस तरह पेस्ट बना करके मसाले को डालें, मसाले को भी मैं भून लेती हूँ, सारे चीज़ को अच्छी तरह से भून लेती हूँ, भून लूँगी। उसमें नमक को भी मैं डाल देती हूँ, नमक को भी मिला ले रही हूँ, अच्छी तरह मेरा मसाला मिल जाए, फिर नमक मिल जाए तो इसे मैं नमक मिला रही हूँ। अभी मेरा मसाला भून गया, अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। मैं पानी थोड़ी से डालूँगी, थोड़ी से पानी डालूँगी, मैं आधा गिलास पानी डालूँगी बस। तो सारी चीज़ को मैं डाल दी है, इसको हम पका लेती हूँ, बस 3 मिनट इसको हम पकाऊंगी, ये झटपट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट पका लेती हूँ हम, क्योंकि हमें मसाला पकाना है, तो पका लेती हूँ मसाले को। अब ढक देती हूँ इसको हम, मैं देखती हूँ सब्जी को, मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया। मैं चला लेती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं चलाऊंगी, नहीं तो मेरा ये जो अमड़ा है ये एकदम टूट जाएगा, एकदम पक गया है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ, अब इसको मैं छोड़ती हूँ 2 मिनट के लिए ठंडी होने के लिए, तब तो मैं परोसती हूँ। तो ये लीजिए, तो मेरा सब्जी बनकर चटपटे अमड़े और मिर्ची की सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह सब्जी आप घर में ज़रूर बनाएँ और खाएँ, और कैसी लगी मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो के इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।